सब ठीक है ना? और भाभी कैसी है? सब ठीक भाई, तू अपना बता कब शादी कर रहा है? बस तेरे तो बच्चे हो जाए फिर अपना भी नंबर लगा दूंगा। सही है भाई, सही है, ऐसे ही बोल तू। और जब तेरे को लड़की नहीं मिलेगा ना, तब तू मेरे पास ही आके रहेगा रे। अरे तू ही तो ढूंढेगा मेरे लिए लड़की। जा माला, सही पकड़ा है तूने। भाई सुनना, एक नई डॉक्टर आई है शर्मा के क्लिनिक पे, बहुत सुंदर है, मरीज भी उसकी सुंदरता देख के ठीक हो जाता है। क्या बात कर रहा है भाई, सही है क्या? लेके चलना उसके पास। तुझे क्यों लेके चलूं बे? तेरा तो बीवी है ना, तू घर जा, बिचारी भाभी इंतजार कर रही होगी। चुप कर बे, क्या एक से मन भरता है, लेके चलना उस सुंदर डॉक्टर के पास। अरे नहीं नहीं अभी नहीं, वो 3 बजे से 6 बजे तक क्लिनिक पे बैठती है, तभी चलेंगे दोनों बहाना मार के। चल चल ठीक है, फिर मिलते हैं। क्या जी, आपको देख के मारूं? दस पगली, आज मैं आने वाले शाम को लेट हो जाऊंगा, तो तुम खाना पीना खा के सो जाना। हाँ क्यों जी, कुछ इम्पोर्टेंट काम है क्या? और इतना बंठन के कहाँ चले? वो डॉक्टर। डॉक्टर? क्यों जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? अरे भाभी जी, क्या आप भी? ये जा रहा है मेरे साथ डॉक्टर के पास। अच्छा रेहान जी, आपको क्या हुआ जी? मुझे इसको आज तक झटका आ जाता है कभी कभी, मेरी चोट से रानी जी। क्या जी, अस्थमा में झटका आता है जी? आप मुझे बस जी, और कुछ मत बोलिए, हमें लेट हो रहा है, हमें जाना भी तो है ना। चल बाय भाभी जी। अब चल भाभी जी, भाभी जी। वो हमें डॉक्टर से मिलना है। किसको? दोनों को? हाँ बहुत अर्जेंट है, नहीं तो उसका जान भी जा सकता है। ठीक है, मैं अभी मैम को बता क्या होगा। अबे ओए उठ, दोनों बकरे आ गए हैं, रेडी हो जा। तो यारी के सामने तो भाभी जी कुछ भी नहीं है। क्या कहा तो? अरे कुछ नहीं, बस देखता है। Excuse me, क्या हुआ है आप दोनों को? Excuse me, क्या हुआ है आप दोनों को? वो डॉक्टर मैडम, देखिए ना, जब मैं खाना खाता है तो मेरा पेट भर जाता है और मेरा हर किसी पे दिल आ जाता है, जैसे अभी आप पे आ गया इधर घुसते घुसते। क्या? What nonsense? ये कौन सी बीमारी होती है? इसके लिए कोई दवाई नहीं है। हमें दवाई पानी नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए मैडम। क्या रे तू, जा अपनी बीवी को संभाल। मैडम मुझे आप चाहिए। अच्छा तो ये बात है, मैं इतनी आसानी से थोड़ी किसी की हो सकती। पूरे 5 लाख जमा करना कल तक, जो पहले करेगा मैं उसकी। ये तो बस मेरी होगी, तो देख लेना तू जैसा नामट क्या करेगा, देख लेना ये तो मेरी होगी। बस बस अब ज्यादा सपने मत देखो, सपने को हकीकत बनाना है तो कल आ जाना पैसे लेके। निकलो यहाँ से अब। अरे वाह ईशिका, ये दोनों तो पूरे पागल थे, लड़ाई कर रहे थे मेरे लिए दोनों। मैंने बोला था ना दो बकरे इधर। अरे यार ईशिका, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, ये जगह में कोई है भी नहीं यार लूटने के लिए, अब क्या करें?
वही तो यार, इसे तो हम रोड में आ जाएंगे। वही तो, हमें तो कोई और दूसरा जगह ढूंढना होगा। हाँ मुझे एक जगह पता है, चल मेरे साथ। क्या बात कर रही है, तो इसमें देरी किस बात की, चल फिर। हाँ इशिका, सही कहा था तूने, कल जैसे ये लोग पैसा लेके आएंगे निकल जाएंगे हम लोग यहाँ से। पागल ये दोनों, कर भी क्या लेगा ये लोग। क्या बे, तू इधर क्या कर रहा है? बस ऐसे ही आ गया भाभी का हालचाल पूछने। और ये बता, पैसा कितना जमा किया तूने? अभी चुप कर। क्या पैसे? कौन से पैसे, क्या बोल रहे हो? वो क्या है ना भाभी, ये जो आपका मर्द है ना, इसका दोनों किडनी फेल है, तो उसके लिए 5 लाख रुपए जमा कर रहा है। इसने तो आपको नहीं बताया होगा ना? कैसे बताएगा, प्यार करता है ना आपसे। क्या जी, ये सच कह रहे हैं? आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। ये लीजिए, मेरे कहने रख लीजिए और आप अपना इलाज कर लीजिए। कदे साथ नहीं हो छेगा, जान बढ़ के तो जान नहीं हो कटेगा, जान बढ़ के तो जान नहीं हो कटेगा। मेरा फोन ना अंदर है, आप लेके आइए जी। तू शुक्र माना कि मैंने सच नहीं बोला। और तू टेंशन मत ले, मैं बताऊंगा भी नहीं, बस मेरा एक काम कर दे। कौन सा काम? वो मैंने बहुत सोचा, फिर मुझे लगा कि वो डॉक्टर मैडम तेरे ही लायक है, तो मैंने भी तेरे लिए कुछ पैसा जमा किया। ये ले, रख ले और जी ले अपनी जिंदगी। क्या सच? थैंक यू भाई, थैंक यू। तू मेरा हीरा है, हीरा। ये लीजिए आपका फोन। क्या जी, क्या खुशी-खुशी चल रहा है आप दोनों के बीच? अरे मेरी प्यारी भाभी, मैं तो बस इसे समझा रहा था कि सुसाइड ना करे, नहीं तो मेरी प्यारी भाभी जीते जी मर जाएगी। हे भगवान, अब सुसाइड करने वाले हैं, अभी तक तो मेरे बच्चे भी नहीं हुए हैं। नहीं जी, अब ऐसा मत कीजिए, मैं लूट गई, बर्बाद हो गई। अरे मेरी प्यारी रानी, तुम टेंशन मत लो, मैं जल्द लौटूंगा, बस अपना तुम ख्याल रखना। और रिहान, तू अपना भाभी का ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। हाँ जरूर, तू अभी निकल वरना लेट हो जाएगा। हाँ हाँ, सुनिए ध्यान से जाइएगा, और अगर गिर गए तो उठना मत। हेलो भाभी जी, कितना सुंदर हो आप। हाय, और आप भी तो बहुत हैंडसम हो रेहान जी। अरे आपसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है भाभी जी। वैसे मैंने कुछ सुना, आपने अभी उसे ऐसा क्यों कहा कि गिर गए तो उठना मत? अभी आपने सुन ही लिया तो बता ही देती हूँ। मेरे वो जो है ना, वो बहुत ज्यादा भाव खाते हैं, पता नहीं डेली बंठन के कहाँ निकलते हैं। और आपको पता है, उनका कपड़े में मैंने बाल भी देखा था। देखिए भाभी जी, अभी मैं क्या ही बताऊँ, वो दोस्त है मेरा, सच बता भी नहीं सकता। देखिए आप सच बताइए, नहीं तो मैं जहर पी लूंगी। अरे नहीं नहीं भाभी जी, ऐसा मत करना। एक्चुअली ये जो आपका वो है ना, उनका चक्कर चल रहा है बाहर। ये 5 लाख लेके भागने वाले थे किसी और के साथ। इतनी सुंदर लड़की को छोड़ के कोई भाग कैसे सकता है भला? ये क्या कह रहे हैं आप, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अरे अरे अरे, वो नहीं तो हम ही सही, हम है ना आपके लिए, तो फिर चले हम दोनों कहीं दूर कहीं दूर, क्योंकि वो तो अब लौटेंगे नहीं। वैसे बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे उस बंदे पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। चलिए रेहान जी, कहीं दूर चले जाते। और हाँ रेहान जी, भाभी जी नहीं बेबी जी बोलिए। अरे वाह मेरी जान, अब तो बहुत जल्दी मान गए, चलिए अभी कहीं दूर। ये लीजिए डॉक्टर मैडम, सारा पैसा लाए, अब तो आप मेरी ना। अरे वाह क्या बात है, मैं आपकी हो गई। अरे वाह, मेरा सपना पूरा हो गया, इतना खूबसूरत लड़की मेरी। अच्छा आपका दोस्त कहाँ है? वो तो कल बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, वो नहीं आया?
अरे उसका बात क्यों करना, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो ना मर्द है, असली मर्द तो मैं हूँ, जो बोला वो करके दिखाया। जी अब मैं आपकी। इशिका पानी लेके आओ। मासूमियत लुट जे गई, हंसा उड़ जो चेहरे तो यारी ताला में बोगे तेरे तो लो हो गया काम। हम तो माला माल हो गए थे, शिका कितना बेवकूफ आदमी था, ये देख। वही तो, अब चल निकलते इधर से, चल चल। क्या डॉक्टर है, कौन सा डॉक्टर, यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं और एक रिजॉर्ट है। क्या मेरे 5 लाख आ गए और सुंदर डॉक्टर मेरी वैशाली। कौन है तुम और मेरे घर में क्यों आए हो? आप कौन है और मेरे घर में क्या कर रहे हैं? मेरी वैशाली रानी कहाँ है? वैशाली और उसका पति रियान ये घर मुझे बेच कर चली गई और तुम भी निकलो यहाँ से। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरे सब कुछ